Welcome to Happy Milestone Family. एक बार एक हरे छोटे बगीचे में कैथी नाम की एक छोटी सी कैटरपिलर अपनी बाहें फैलाकर अंडे से बाहर निकली। वाह, तो यही दुनिया है। लेकिन मेरे पेट से ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे भूख लगी है। कैथी बहुत भूखी थी और वह इधर उधर देखने लगी। वह फूलों से भरे एक बगीचे में पहुंची। यम यम यम, हे पत्ता, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है और तुम मेरा पहला भोजन हो। उसने डकार ली, लेकिन पत्तेदार भोजन खत्म करने के तुरंत बाद उसका पेट बड़बड़ाने लगा। मुझे और चाहिए। इसके बाद कैथी को रसदार स्ट्रॉबेरी से भरी एक झाड़ी मिली। ओ प्यारी स्ट्रॉबेरी, क्या तुम मेरी नहीं बनोगी? एक स्ट्रॉबेरी, फिर दो, फिर तीन स्ट्रॉबेरी खाते हुए उसने डकार ली। फिर भी उसका पेट बोला, मैं अभी भूखा हूँ। वह जोर से चिल्ला रहा था। कैथी आगे बढ़ी, उसे फूलों से भरा बगीचा दिखा। सपने जैसी कोमल पंखुड़िया, आओ मैं तुम्हें टुकड़ों में खा जाऊं। वह पंखुड़ियों का एक गुच्छा निगलते डकार ली, लेकिन उसका पेट फिर से गर्जने लगा। कृपया मुझे और दें। कैथी ने और अधिक भोजन की तलाश जारी रखी और रसीले सेबों वाला एक सेब का पेड़ मिला। हे रसीले सेब, देखते हैं क्या तुम मेरा पेट भर सकते हो, उसने कहा और सेब खाया। थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उसका पेट फिर चिल्लाया, कृपया थोड़ा और। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर एक केला लटका हुआ था। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो कि तुम मेरा पेट भर पाओगे, और वह खाने लगी। हर टुकड़े के साथ उसे भारीपन महसूस होता था। उसका पेट भर गया था, उसे अपना शरीर भारी लग रहा था। हे भगवान, मैं बड़ा और भारी महसूस कर रही हूँ। उसने आह भरी, उसे नींद आ रही थी। मेरे लिए आरामदायक घर ढूंढने का समय आ गया है। कैथी ने अपने लिए एक आरामदायक रेशमी कोकून बुना। वह खुद को रेशमी धागों में लपेटते हुए नींद में बड़बड़ा रही थी। कोकून के अंदर कैथी कई दिनों और रातों तक सोती रही। वह अपने कारनामों और स्वादिष्ट भोजन का सपना देखती थी। कोकून अब थोड़ा भरा हुआ महसूस हुआ। एक सुबह कैथी अपने कोकून में असहज थी। वह जानती थी कि अब उसके बाहर आने का समय आ गया है। वह तब तक जोर लगाती रही जब तक कि कोकून टूट न जाए और कैथी बाहर न आ जाए। वह बाहर आई और पूछा, क्या हो रहा है? वह हांफने लगी। ओस की बूंद में अपना प्रतिबिंब देखते हुए उसने कैटरपिलर नहीं बल्कि एक सुंदर तितली देखी। उसके पंख चौड़े और रंगीन थे। पंख? अरे वाह, मेरे पास पंख हैं। हेलो सुंदर तितली, नए जीवन में आपका स्वागत है। मैं कैथी कैटरपिलर नहीं रही, मैं कैथी तितली हूँ, उड़ने के लिए तैयार। वह बहुत खुश और उत्साहित थी। कैथी ने अन्य मित्रों से कहा, जीवन वास्तव में अद्भुत है, इसका पूरा आनंद लें। Don't forget to hit that subscribe button, give us a thumbs up and share the video. Thank you.